राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो सामग्री चाहिए होगी वो सब दिखाने वाली हूँ। तो जन्माष्टमी आने वाली है, जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं उनके लिए जन्माष्टमी का समय बहुत ही शुभ होता है। तो जन्माष्टमी पर आप नए लड्डू गोपाल जी लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले हमें एक दीपक लेना है, घी का दिया ले लेंगे, दिया जलते रहना चाहिए। उसके बाद हमें कोई अनाज लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे चावल लिया है, आप गेहूँ, दाल या चने भी ले सकते हैं। कोई भी पांच चीज़ें हमें लेना होता है, क्योंकि इसी पांच चीज़ों में हम लड्डू गोपाल जी को बैठाते हैं। या किसी भी विग्रह की जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सेम इसी तरीके से करते हैं। जब हम घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमें चीनी लेना है। आप कोई भी मीठा ले सकते हैं, भूरा ले सकते हैं या मिठाई ले सकते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि जो भी सामग्री ले वो हमारे विग्रह को पूरी तरह ढक दें। यानी जब हम लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें तब पूरी तरह से हमारी ली हुई सामग्री से ढक जाए। आप विग्रह के अनुसार देकर सामग्री लें। इसके बाद हम सब्जियां ले लेंगे। तो आप अपनी पसंद से सब्जियां ले सकते हैं, पर खीरा जरूर लें। खीरा लेना शुभ होता है, तो खीरा जरूर लें। इसके बाद हम फल ले लेंगे। तो जो भी मौसमी फल हैं आप वो ले सकते हैं। बस आपको अपने विग्रह के अनुसार कम या ज़्यादा देखकर लेना है। अगर लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आपको कम सामग्री चाहिए, और यदि लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आपको ज़्यादा सामग्री चाहिए। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम फूल ले लेंगे। तो जो फूल मिल जाए आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हमें कोई पात्र चाहिए जिसमें कि हम लड्डू गोपाल जी को बैठा सकें। आप साइज के अनुसार छोटा या बड़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर ढकने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र ले लेंगे। आप पीला भी ले सकते हैं। अब हमें एक पट्टी लेनी है जिसे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की आंखों पर बांध सके। तो हम एक पट्टी ले लेंगे। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत लेना है। आप चाहे तो सभी चीज़ों को मिलाकर भी ले सकते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही, दूध, भूरा, घी और मध लिया है और शुद्ध जल लिया है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए हमें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का सामान ले लेंगे। उनके कपड़े, पगड़ी जो आप लाए हैं, उनके श्रृंगार का सामान वो सब हम ले लेंगे। और साथ ही हम विग्रह को ले लेंगे जिसका हमें प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का विग्रह ले लें। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो बेसिक सा सामान चाहिए होता है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।